हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे आप सब? अभी 6 बज चुके हैं और आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी हिस्ट्री क्लास है, यानी कि हम रोज़ 3 क्लास करते हैं। 5 बजे हम पढ़ते हैं जीके की ट्रिक, ठीक, और 5:30 बजे हम करते हैं मैथ्स, और 6 बजे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, 6 बजे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हमने 5 बजे ये डाल चुकी है वीडियो, जाके देख ले आप। 5:30 बजे वीडियो में डाल चुकी है मैथ की। अभी 6 बज रहे हैं, अभी ये वीडियो हम करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा हिस्ट्री का 7वां क्लास है। कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, हमने कल तक देखा था हिस्ट्री में पैलोलिथिक के, म्यूजोलिथिक के और नियोलिथिक के, यानी कि स्टोन एज, ठीक है, ये हम ख़त्म कर चुके थे। अब आज हम अपना शुरू करेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल फेज। मैंने हिस्ट्री 3 फेज में पढ़ा था, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल एज, ठीक है। हमने प्री को ख़त्म कर लिया, अब हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पे, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल फेज, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल फेज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक बहुत ओल्ड मतलब सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। जैसे कि मेसोपोटामिया था ना इजिप्ट में, चीन का, ठीक है, तो वहाँ पर जो सभ्यता था उस टाइम हमारे इंडिया में यह सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यानी कि इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी पहले टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड था इसका 3500 बीसी से लेकर के 2350 बीसी तक, यहाँ पे शुरुआत होता है, स्टार्टिंग, यानी कि 2350 जो बीसी है ये कुछ नहीं है, ये बस इसका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, मेरा हड़प्पा सभ्यता वो शुरू होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो जन्म लेता है, लेकिन जो विकास है, जो मैच्योर फेज है, जो हमें पढ़ना, जो सीखना हमें, वो है हमारा 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, ये हमें पढ़ना है मेन करके। ये हमारा मैच्योर फेज है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा मैच्योर्ड फेज है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विकसित फेज। अब 1750 बीसी से बाद का, यानी कि 1500 बीसी तक में ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये खत्म हो जाता है, ये एंड फेज है। ये क्या होता है? ये खत्म हो जाता है। ये इसका खत्म होना अपने आप में ये अलग एक क्या है, अलग एक क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंस है, ठीक है, बारे में बातें बात करूंगा, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता की खोज किसने की? इसको डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी ने खोजा। कैसे खोजा? कार्बन 14 डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन 14 डेटिंग से के द्वारा,
यानी कि इससे दयाराम सानी ने ये खोज लगाया, ये खोज किया कि उस समय यानी कि समय के काल में सिंधु घाटी सभ्यता था। इसने बहुत सारे शहर मिले हैं, 10-11 शहर मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो सब बाद में बात करेंगे उस बारे में। इसे महत्वपूर्ण जो आते हैं शहर, पहला शहर आता है हमारा हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, इसकी खोज की है किसने, इसकी खोज करती है रखाल दास बनर्जी ने, आरडी बनर्जी, किसने, आरडी बनर्जी ने, ठीक। और सेकंड हमारा आता है, सॉरी, हड़प्पा का ही खोज करता है किसने, दयाराम सानी ने, और इसे ये नाम देता है किसने, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने नाम दिया इसे हड़प्पा का, ठीक है, क्योंकि ये खोज खुदाई हुई थी हड़प्पा में, ठीक है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण जो शहर है सिंधु घाटी में वो है मोहनजोदड़ो, क्या है, मोहनजोदड़ो, इसका खोज करता है रखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी ने, रखाल दास बनर्जी, ठीक है, लिखिए इसको पहले आप लोग, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनके शहरों के ऊपर, ठीक है, हम इसमें बात करेंगे बेसिक चीजें इसकी, इनके टाउनशिप के बारे में, इसमें शहर था, इस शहर में घर कैसे हुआ करते थे, ठीक है, उनका इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था, उसमें ट्रेड ये लोग व्यापार क्या करते थे, काम क्या करते थे, ठीक है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम जानते हैं उनके शहरों का नाम, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से शहर थे उस समय, और वो शहर किस नदी किनारे थे, अभी कहाँ पर हैं, ठीक है, सबको देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास 7th है, हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी के शहरों के नाम, यानी कि सिटीज ऑफ इंडस वैली, ठीक, उस समय कौन कौन से शहर थे, ठीक है। तो पहला शहर हुआ करता था सिटी हड़प्पा, था हड़प्पा, दूसरा मोहन जोदाड़ो, ठीक है, मोहन जोदाड़ो, ठीक है, थर्ड था चान्हू जोदाड़ो, चान्हू दाड़ो, ठीक है, चान्हू दाड़ो, ठीक है, इसका स्पेलिंग चान्हू दाड़ो का, चलिए ठीक है। चौथा हमारा आता है सुटका जेंडर, ठीक, पांचवा है रंगपुर, ठीक है, छठा है हमारा रोपड़, ठीक, सातवां है हमारा लोथल, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, आठवां है हमारा कालीबंगा, ठीक, नौमा है हमारा कालीबंगा के बाद में, नौमा आता है हमारा रोपड़ लोथल कालीबंगन, आता है धौलावीरा, दसवां आता है आलमगीरपुर, इसे लिखिए फिर हमको आगे में फिर लिखवाता हूँ मिटा के इसको, लिख लिया आप लोगों ने कालीबंगन,
यहीं पर डाल दूँ क्या, यहीं पर चलो यहीं डाल देता हूँ। ग्यारहवा है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जुदाड़ो, चन्हुदाड़ो, ठमाया हमारा बनावली जो कि हरियाणा में अभी, ठीक है। यहाँ तक बोड़ा रहा ना, देखो जरा यहाँ तक बोड़ा रहा है। आइए अब हम देखेंगे, ये सारा शहर था सिंधु घाटी के वक्त, ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारा शहर को खोजा गया। उस समय हड़प्पा था, सबसे पहला शहर खोजा गया हड़प्पा 1921 में, किसने, दयाराम सानी ने। उसके बाद खोजा गया मोहनजोदड़ो, जिसे हम बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, ठीक है, मृतकों का टीला। ये खोजा किसने, रखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। उसके बाद खोजा गया तनुदाड़ो, छुटका जंडर, रंगपुर, रोपर, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, आलमगीरपुर और बनावली, ठीक है। हालांकि ये पहले खोजा गया है बनावली, तो उसको आप ठीक कर लें एक बार। बनावली आप डाल दो 10 नंबर में, यहाँ डालो आलमगीरपुर लास्ट में, आलमगीरपुर, ठीक है। अब लेते हैं प्रोविंस, यानी कि कहाँ कहाँ अभी है ये स्थित, यानी कि ये जो जगह है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे था अभी। आइए प्रोविंस देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा अभी पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तानी के पंजाब में, पाकिस्तान के पाकिस्तानी पंजाब में है, ठीक। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सिंध में है, वही पाकिस्तान में ही है। और ये कहाँ पे, चन्हुदाड़ो, ये भी सिंध में ही है। सुत का जंदर कहाँ पे है, ये शायद ये आपका सुत का जंदर गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और रंगपुर कहाँ है, नहीं, सुतका जंदर जंदर ये भी सिंध में ही है। रंगपुर आपका गुजरात में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, ठीक। लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है, धोलावीरा आपका कच्छ में है, कच्छ जो हमारा गुजरात में है, ठीक है। और बनावली हमारा हरियाणा में है, और आलमगीरपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लिखिए इन चीज़ को, इसका ठीक कर लिए, ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान आपका, बलूचिस्तान में जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। लिखिए चीज़ को आप लोग, देखिए हम आते हैं किसके ऊपर, नदी के ऊपर, ठीक है, नदी। तो रिवर कौन कौन सा, किस नदी किनारे है ये सब बसा हुआ। जो हड़प्पा सिटी है वो पाकिस्तान पंजाब में भी है, वहाँ पे नदी है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के पास में है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है इंडस नदी, सिंधु नदी, ठीक, इंडस इंडस, ठीक। और ये हमारा सुतका जंदर है बलूचिस्तान में, यहाँ पे नदी जिसका नाम है दस्त, क्या है, दस्त, उसका नाम है दस्त। और रंगपुर जो है गुजरात में, वो वहाँ पे नदी है हमारा मीदार, नदी है
मीदार लिखिए इसको आप, मीदार नदी वहां पे हमारा। आइए अब रोपड़ पंजाब में कौन सी नदी वहां पे है, सतलज है, कौन सा है, सतलज है। अब लोथल में किसी को पता है यहां पे भोगवा नदी है यहां पे। अब यहां पे कौन सा नदी है राजस्थान में कालीबंगन में, सबको मालूम होगा कौन सा नदी है, घग्गर नदी कौन सा नदी है, घग्गर नदी है। अब धोलावीरा जो गुजरात में कौन सी नदी है, वहाँ पे शायद लूनी, हाँ अब नदी का नाम है लूनी नदी है। और ये हमारा हरियाणा है बनावली, यहाँ पे सेम नदी है घग्गर, ठीक है घग्गर नदी है ठीक है। अब ये जो हमारा आलमगीरपुर है यूपी में, यहाँ कौन सी नदी है, यहाँ नदी है हिंडोन, कौन सा है हिंडोन, HINDON हिंडोन नदी है ये। तो ये था हमारा सिंधु घाटी का शहर, वो कहाँ पे स्थित है, वहाँ पे कौन सी नदी किनारे है, ठीक है ये सब। तो इतना आपको याद करना है, फिर अब हम कल इसके बाद इसके आगे शुरू करेंगे, अब बताएंगे हड़प्पा के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में, वो शुरू कैसे हुआ, उसमें घर कैसे थे, सीवरेज थे, उन लोगों का टाउनशिप कैसा था, इकोनॉमी उन लोगों का क्या था, क्या ट्रेड करते थे, क्या फल उगाते थे, क्या खेती करते थे, क्या बेचते थे, उनसे धातु मिला है, ठीक है इस सब के बारे में बात करेंगे, और वो ख़त्म कैसे हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।